हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, जैसा कि एसएससी ने अपने कैलेंडर में बता दिया है। जनवरी माह अब ख़त्म होने ही वाला है और उसके बाद फरवरी स्टार्ट होते ही आपकी उल्टी गिनती समझ लीजिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि 11 फरवरी से एग्ज़ाम बताया गया है कि होगा। एडमिट कार्ड भी आपको जो फर्स्ट वीक है उसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ थोड़ा सा समय है, आप पूरी तरह से जी जान लगा के मेहनत कर दें, सफलता आपके हाथों में होगी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, एवरेज जाने वाला है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो कट ऑफ के बिना चिंता किए हुए मैं आपको जैसा बता रहा हूँ, अगर आप वैसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कट ऑफ को आसानी से पार कर लेंगे। आपको फोकस करना है सिर्फ हिंदी और रीजनिंग पे। सबसे ज़्यादा फोकस आप हिंदी और रीजनिंग पे करेंगे तो हिंदी में अगर 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 25 में से 20+ हर कोई ला सकता है, अगर आप अच्छे से तैयार रहते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को ठीक से देख रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 20+ आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ हम जो प्रैक्टिस सेट देते हैं वो तो आप सॉल्व करें ही करें। उसके अलावा रीजनिंग में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अपलोड किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चंस भी अपलोड किए जाएंगे, तो वो भी जरूर देखें, वो आपको जरूर जरूर फायदा पहुंचाएगा। और ऐसा नहीं करना है कि समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ाई छोड़ देना है, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अभी से जितना आप मेहनत करेंगे वो आपको आगे एग्जाम में उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जोर लगा देना है, पूरा दम लगा देना है। और इसी के साथ चलिए हम अपना आज का जो हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक टॉपिक हम कर रहे हैं, हिंदी पे हमने विशेष इस बार फोकस किया है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम समय में, आप मुश्किल से 10 मिनट देंगे और आपको उन 10 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और फिर आप बताना कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं हिंदी में, कितने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही इजी पेपर होता है, हमारी मातृभाषा है तो हम इसे पढ़ते रहते हैं हमेशा। तो इसीलिए हमने हिंदी के अलग अलग पार्ट भी लाए हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको बेसिस उसको देखते हुए तो हम लाते ही हैं। उसके अलावा अगर एसएससी कुछ चेंज कर दे, कुछ टफ पूछ ले, तो उसकी भी तैयारी हमने कर रखी है, तो इसीलिए उन सब की आप देखते रहें। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा टफनेस भी देखा जा रहा है। तो सब करते हुए क्वेश्चन हमसे शुरू करते हैं, आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ओष्ठ्य व्यंजन का समूह कौन है, ओष्ठ्य व्यंजन का समूह कौन है। हम हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं और उसी के बाद व्यंजन जो है उसके अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं, तो उसमें से ओष्ठ्य व्यंजन का समूह कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, य र ल व अक्षत्र ज्ञ और स्र, स स स यानी कि तालव्य स, मूर्धन्ति स और दन्ति स और ह, उसके बाद प फ ब भ और म। तो ओष्ठ्य व्यंजन कौन से हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल भी देता चलूंगा ताकि आपको समस्या ना रह जाए कि ये आंसर क्यों है, या फिर अगर इससे रिलेटेड कुछ और पूछ लिया जाए तो भी, तो आप अपना आंसर कमेंट कर दे फटाफट। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो ओष्ठ्य व्यंजन समूह में आते हैं डी वाले, यानी कि प वर्ग। इसे प फ ब भ म को प वर्ग कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन के चार भेद होते हैं, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। और जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसके भी चार भेद होते हैं और उसी में से एक ओष्ठीय व्यंजन होता है। ओष्ठीय व्यंजन यानी कि जब उच्चारण करते समय जब दो चीजें आपस में टच होती है, जैसे कि एक होता है दंत, तो उसमें हमारा जीभ जो है वो दांतों को टच करता है, और इसमें क्या है कि दोनों ओंठ जो हैं वो टच करते हैं। प, जब आप प बोलेंगे तो आपके दोनों होंठ सट जाएंगे, फ ब भ, ये आप हमेशा होंठ टच करते हैं, इसीलिए इसे ओष्ठीय व्यंजन कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें हमने पांच पांच के सेट में डाले हैं, यानी कि अभी आपको व्यंजन से है तो 5 क्वेश्चन आपको व्यंजन के मिलेंगे, फिर उसके बाद अगर संधि विच्छेद आएगा तो संधि विच्छेद से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर अगर विलोम शब्द आता है तो विलोम शब्द से भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह करके हमने 25 क्वेश्चन का सेट बनाया है, ताकि अगर आपको एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हर चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड रह सको, क्योंकि 10th तक का आपका क्वेश्चन पूछा जाना है, ऐसा कि बताया गया है 10th तक। तो 10th तो जो स्वर व्यंजन है ये तो शुरू से ही पढ़ना होता है, जब हम 4-5 से पढ़ना शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर, उसी समय से हमें स्वर और व्यंजन पढ़ना होता है, इसीलिए इसके बारे में भी आपको तैयार रहना जरूरी है। यहाँ पे है अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन
कौन सा है? तो ये है अंग, य, स और ट। कौन सा है अंतःस्थ व्यंजन, ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। ए बी सी डी में क्या है आपका सही आंसर? जब तक आप आंसर करते हैं मैं आपको अंतःस्थ व्यंजन के बारे में समझा देता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि व्यंजन के चार भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो उसमें से जो अंतःस्थ व्यंजन है ये तीसरा पार्ट, तीसरा भेद है इसका। इसके चार इसमें शब्द आते हैं, चार इसमें अक्षर आते हैं, शब्द नहीं अक्षर। वो कौन से अक्षर हैं? वो है आपको एक तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि य। उसके अलावा र, ल और व। य, र, ल, व, ये चारों जो हैं अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, तो चार अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ये भी आप याद रखें। अंतःस्थ व्यंजन का अर्थ क्या होता है? जो भीतर से, भीतर में रहे, यानी कि भीतर से जो निकलता है। तो आप य जब बोलते हैं तो किसी भी चीज में हमारा जीभ या हमारे होंठ नहीं सटता है, ये भीतर से निकलता है। र, ल, व, ये सब भीतर से निकलता है, तो इसीलिए इसे अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। वहीं अगर मैं आपको व्यंजन के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ, तो मैंने सबसे पहले बताया था स्पर्श व्यंजन होता है, तो इसमें भी चार भेद होते हैं। एक होता है कंठीय, जो कि क वर्ग में, क वर्ग जो है वो कंठ में आता है। एक होता है मूर्धन्य, जो कि ट होता है, जब हमारा जीभ मुड़ जाता है ट। उसके बाद होता है एक दंतीय, तो त वर्ग जो होता है वो दंती आता है, क्योंकि हमारा जीभ दांतों में सटता है। और एक होता है ओष्ठ, जो कि प वर्ग आता है। उसके बाद होता है एक स्पर्श संघर्षी, जिसे हम तालव्य व्यंजन भी कहते हैं, तो ये च इसमें आता है, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन हम देख चुके हैं, और उष्म व्यंजन जैसे वो बोलने से हमारे मुंह से गर्म उष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, तो वो होती है स के सभी पार्ट, यानी कि तालव्य स, दंत स और मूर्धन्त स, उसके अलावा ह। ये जो चारों हैं ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो इस पे मैं एक चैप्टर बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। फिलहाल अगर आप इतना, जितना मैंने आपको बताया, इतना भी अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए इनफ है। इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं? हिंदी में जितने भी स्वर हैं या व्यंजन है, वो सभी का कोई ना कोई उच्चारण स्थान है, तो आपको ये जानकारी रहना भी जरूरी है। तो आप अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको श्योर है कि आप सीख जाओगे इसे, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इन क्वेश्चंस को देखो और याद रखो। तो यहाँ पे ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑष्ट ऑप्शन है यहाँ पे, नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट कर दें ए बी सी डी में। तो यहाँ पर अगर हम ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ए और ए कंठ तालव्य, यानी कि इसका उच्चारण जो है वो कंठ तालव्य से होता है। चलो देखते हैं हम त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने अभी आपको बताया था त वर्ग के बारे में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप त वर्ग का उच्चारण स्थान बता पाएंगे। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है या कंठ है? ए बी सी डी में क्या होगा? जो भी आपका आंसर, आप जल्दी से ए बी सी डी लिख के कमेंट कर दें। कमेंट करना बहुत जरूरी है, कमेंट करने से आपका, बहुत से लोग होते हैं सिर्फ देखते रहते हैं, दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ देखना है उसके बाद भूल जाना है, ऐसा नहीं। अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट करने से पहले आपका दिमाग सोचता है कि आंसर क्या होगा, और जब आप सोचते हैं तो आपका दिमाग कुछ ना कुछ काम करेगा, और जब काम करेगा तो वो आपके दिमाग में रहेगा। दिमाग अगर काम करता है तो उसे याद रखता है, इसीलिए कमेंट करना जरूरी है। कमेंट आप करें, आपको ध्यान में रहेगा। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो इसका उच्चारण स्थान है दंत, इसका उच्चारण स्थान है दंत। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्पर्श व्यंजन का पार्ट है दंत। चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इनमें से स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग या सभी? क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग या सभी, कौन है? जल्दी से आप कमेंट करके बता दें। ये इसमें ये आंसर नहीं है, मैं अभी आपको पहले कमेंट करना है, फिर आपको पता चलेगा आंसर क्या होगा। जल्दी से आप कमेंट करें ए बी सी डी में क्या हो जाएगा। स्पर्श, तो स्पर्श से रिलेटेड दो व्यंजन दो होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन और एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो दोनों ही स्पर्श व्यंजन में ही आता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सभी, सही आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि क और त तो स्पर्श व्यंजन में आते हैं, और जो च वर्ग है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आता है, इसीलिए ये तीनों को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चले देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब हम नया टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं कि इनमें से निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा? हम जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करना है।
सिर्फ स्टडी रिलेटेड बातें ही हम करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे है हम तुम आप वह, हम तुम आप वह निजवाचक सर्वनाम शब्द। अगर आपको निजवाचक के बारे में पता है तो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, जैसे कि खुद के लिए करता है, अपने आप को बताने के लिए करता है, तो वो शब्द जो है वो क्या कहलाता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और उससे उससे जो शब्द बनते हैं वो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अपने आप को दर्शाने के लिए क्या होगा, यहां पे मिलता जुलता है आप। जब हम बोलते हैं मैं यह आप कर लूंगा, मैं यह आप कर लूंगा, यानी कि खुद कर लूंगा, यानी कि स्वयं कर लूंगा, तो आप जो है वो निजवाचक सर्वनामिक शब्द है। अगर हम कुछ और निजवाचक सर्वनामिक शब्द के बारे में जाने तो वो शब्द है आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सब जो है मैं भी जो है वो सर्वनामिक शब्द है, निजवाचक सर्वनामिक शब्द, जिसमें हम खुद को बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। उत्तम पुरुष बताइए, उत्तम पुरुष क्या है, मैं तुम वे या यह, मैं तुम वे या यह, ये क्या है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या होगा सही आंसर ए बी सी डी में, ए बी सी डी में क्या होगा सही आंसर आप जल्दी से बता दें। तो अगर उत्तम पुरुष की हम परिभाषा की बात करें तो जो बोलता है यानी कि जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष होता है, बोलने वाला उत्तम पुरुष। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम हूं, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम हैं, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम हैं। और अगर यहां पे मैं किसी राम, रमेश, सुरेश, महेश की बात करता हूं कि यार सुरेश तो बहुत अच्छा लड़का है, तो सुरेश हो जाएगा अन्य पुरुष। यहां पे तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जब मैं बोलना बंद कर दूं और आप बोलने लगे और मैं सुनूं तो आप उत्तम हो जाएंगे और मैं मध्यम हो जाऊंगा, तो यही इसमें अंतर है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष कौन है, तो मैं हूँ उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो हमेशा मैं ही, जब भी कोई बोलेगा तो वो मैं हो जाता है, तो मैं जो है वो उत्तम पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर ए। तुम, वे, यह, ये सब क्या होगा, आपको अगर अभी समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता दें, तुम कौन सा पुरुष है, वे कौन सा पुरुष है और यह कौन सा पुरुष है, जल्दी से आप कमेंट करें। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ऑप्शन क्या है, कौन, जो, कोई, वह, कौन, जो, कोई, वह, क्या होगा सही आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बता दें, क्या होगा सही आंसर जल्दी से कमेंट करें। ए बी सी डी में जो भी सही आंसर आप फटाफट 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 कमेंट कर दें। तो कौन, जो, कोई, वह, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिससे कुछ भी निश्चय पता ना हो, यानी कि अगर आपको आपको बोलता है कि कोई, पहले आंसर ही बता दूं, कोई कोई है इसका सही आंसर है, तो अगर आपको बता दे, कोई पूछे, कोई बताए कि कोई आया है आपके घर में, कुछ लोग आए तो कोई आया है, तो आपको ये पता नहीं, निश्चय ही नहीं है कि कौन आया है। थोड़ा चाय लो, थोड़ा यानी कि कितना लो, कुछ हो रहा, एक कप होना चाहिए या क्या होगा, थोड़ा सा ही, अगर आप कहीं से कुछ मांगने गए तो आपके बोला कि थोड़ा ही है मेरे पास, तो कितना है, ये तो कुछ क्वांटिटी होता नहीं। अगर आप दुकान में जाओगे बोलेगा कि मुझे थोड़ा सा चीनी चाहिए, तो चीनी वाला आपको कभी चीनी नहीं देगा, वो आपको बोलेगा भैया क्वांटिटी बताओ तो मैं चीनी दूँ। तो इस तरह से जो वर्ड होते हैं जो आपको पूरी तरह से बता नहीं पाते हैं क्वांटिटी के बारे में या संख्या के बारे में या कौन कोई व्यक्ति है इसके बारे में, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं, वो सर्वनाम में आते हैं। और सर्वनाम कौन से, कैसे सर्वनाम आते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चले देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है, जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है, यह वाक्य उदाहरण है किसका, किसका उदाहरण है, संबंधवाचक का, निश्चयवाचक का, अनिश्चयवाचक का या निजवाचक का, किसका है आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। ए बी सी डी में जो भी सही आंसर है फटाफट 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 कमेंट करें। तो जो मेहनत करता है वह सफलता पाता है, इसका सही आंसर है संबंधवाचक, इसका सही आंसर है संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप रिलेशन देख, क्या रिलेशन बताया गया यहाँ पे कि जो मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा, यानी कि संबंध यहाँ पे स्थापित कर दिया जा रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है कि सफलता पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है और जो मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा, तो संबंध है यहाँ पे, तो इसीलिए यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, यह, इसमें यह क्या है, यह क्या है, ऑप्शन है यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, क्या होगा सही आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। यह घोड़ा अच्छा है में यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है, यह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम में भी कौन सा, तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे
समान शब्द की बातें कर रहे हैं। तो आसन और आसन, आसन और आसन शब्द युग्म का अर्थ क्या है, यानी कि आपको आसन का भी अर्थ बताना है और आसन का भी अर्थ बताना है, यानी कि ये मिलते जुलते शब्द होते हैं, एक तरह के दिखने में लगते हैं, लेकिन इन दोनों का अंत जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो अलग अलग होता है। तो आसन और आसन का अलग अलग मतलब क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे बैठना संकट, बैठना निकट, बैठने की जगह विपत्ति, या बैठने की वस्तु निकट। क्या होगा सही आंसर? जो पहला है उसका अर्थ पहले बताना है, जो दूसरा है उसका अर्थ दूसरे में सेकंड में बताना है। तो क्या होगा सही आंसर, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं ए बी सी डी में क्या होगा आपका सही आंसर। तो यहां पर अगर हम सही आंसर की बात करें, उचित आंसर की बात करें, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा आसन का अर्थ होता है आसन, जिस पे हम बैठते हैं, तो वो बैठने की वस्तु हो गई आसन। और आसन आसन होता है निकट, आसन होता है निकट। आपने जब भी आप मैथ्स बनाते हैं तो त्रिभुज वगैरह में आपने, या चतुर्भुज वगैरह में आपने आसन्न भुजा का नाम सुना होगा कि एक आसन्न भुजा है, तो वो उसका अर्थ होता है कि निकट का भुजा। तो इसका अर्थ वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आसन मतलब बैठने की वस्तु और आसन मतलब निकट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं हम, आर्द्र और आद्र का अर्थ क्या है, आर्द्र और आद्र शब्द युग्म का अर्थ क्या है, जल्दी से आप कमेंट करें। ऑप्शन है आपके सामने, चीखना और सूखा, दुखी और गीला, कराहना और वर्षा, पीड़ा और चटक। क्या होगा सही आंसर, आप फटाफट कमेंट करके बताइए ए बी सी डी में क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से आपको कमेंट करना है। आर्द्र और आर्द्र का सही आंसर, सही अर्थ क्या होता है। तो यहां पर अगर हम सही आंसर की बात करें ए बी सी डी में, तो सही आंसर हो जाएगा आर्द्र का अर्थ होता है दुखी होना, आर्द्र का अर्थ होता है दुखी होना, और आर्द्र का अर्थ होता है गीला, आर्द्र का अर्थ होता है गीला। तो यहां पे दुखी और गीला सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इन वर्ड्स को आप याद कर लें, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला है आभरण और आमरण शब्द का अर्थ क्या है, आभरण और आमरण शब्द का अर्थ क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे आभरण और आमरण शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे भरपेट, हड़ताल, भरा पूरा अनशन, आभूषण या मरण तक, आभूषण या मृत्यु के निकट। क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करके बता दें ए बी सी डी में क्या होगा सही आंसर, आभरण का अर्थ क्या होगा और आमरण का अर्थ क्या होगा, ये आपको साथ में बताना है। क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें, तो आमरण का अर्थ होता है, आमरण का अर्थ होता है, जब हमने बहुत बार सुना होगा कि आमरण अनशन, अन्ना हजारे जी आमरण अनशन पर बैठा करते थे, महात्मा गांधी जी आमरण अनशन पर बैठा करते थे। तो आमरण यानी कि मरने तक, तब तक अनशन करेंगे जब तक हम मर ना जाएं। आमरण का अर्थ अनशन कभी नहीं होगा, आमरण का अर्थ होता है मरना, मरने तक अनशन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो इसका तो अर्थ हो गया मरण तक, और यानी कि इससे रिलेटेड अगर आभरण का आपको अर्थ नहीं पता है तो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन आप जानकारी रख लें आभरण का अर्थ होता है आभूषण, आभूषण। तो सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट है अली और अली, यहाँ पे अली दो प्रकार से लिखे गए हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा, अली और अली शब्द का अर्थ क्या है, भौंरा सखी, सखी भौंरा, भौंरा कली, कली भौंरा। क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करके बता दें, जल्दी जल्दी कमेंट करना है आपको। अली अली का शब्द का अर्थ क्या है, ये मिलता जुलता है, समानार्थी शब्दों में ये एक ही जैसे दिखने वाले शब्द कहलाते हैं, उसके अंतर्गत इन वर्ड्स को रखा जाता है। तो क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए ए बी सी डी में क्या होगा सही आंसर। तो अली और अली का जो सही आंसर होता है, तो पहला वाला जो अली है, पहला वाला जो अली है, इसका अर्थ होता है भौंरा, यानी कि पहला वाला जो अली है उसका अर्थ होता है भौंरा, और दूसरा वाला जो अली होता है उसका अर्थ होता है सखी, यानी कि ए सही आंसर हो जाएगा, ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, अली और अली का अर्थ भौंरा और दूसरे वाले अली का अर्थ सखी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, कि अंबुज और अम्बुद्धि का अर्थ क्या होता है, अंबुज और अम्बुद्धि का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पे पानी तालाब, कमल सागर, बादल बिजली, समुद्र कमल। क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। अंबुज अम्बुद्धि पानी, क्या होगा इसका अर्थ, तो पानी या तालाब, कमल और सागर, बादल और बिजली, समुद्र और कमल। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बता दें। तो यहां पर अगर हम सही आंसर की बात करें ए बी सी डी में, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अंबुज का अर्थ होता है, अंबुज का अर्थ होता है कमल, अंबुज का अर्थ होता है कमल, और अंबुदी का अर्थ होता है सागर या समुद्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे है अब संधि विच्छेद क्या है, उत्जोर ज्वल, उत्जोर ज्वल की सही संधि क्या है, उत्जोर ज्वल की सही संधि क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, उज्ज्वल को चार प्रकार से लिखा गया है। क्या होगा इसका सही आंसर, इसमें आप दो दो क्वेश्चन समझ सकते हैं, एक
जो आपको उज्ज्वल की सही वर्तनी समझनी है, और दूसरा सही उज्ज्वल कौन सा लिखा हुआ है, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। ये जो उज्ज्वल है ये सही लिखा हुआ है। इसमें और इसमें, बी और सी में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं इन दोनों में, लेकिन ये गलत है, ये सही है, ये आपको ध्यान रखना है। चले देखते हैं अगला हम क्वेश्चन कि अतियुक्ति, अतियुक्ति जो है इसे संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा। अतियुक्ति शब्द को अगर हम संधि करते हैं तो कौन सा शब्द बनता है, ये आपको बताना है। ए अतियुक्ति, अतुक्ति और अतियोक्ति क्या बनेगा। सही आंसर आप जल्दी से कमेंट कर दें। ए बी सी डी में सही आंसर क्या होगा, तो अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर की अगर हम बात करते हैं, तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अतियुक्ति। और अतियुक्ति, अतियुक्ति का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है रवि जोर इंद्र, रव जोर इंद्र, रवि जोर इंद्र या रवि जोर इंद्र, क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा रविंद्र का सही आंसर। तो जल्दी से आप कमेंट करें ए बी सी डी में क्या होगा सही आंसर, आप फटाक से कमेंट करें। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि दो ऑप्शन एक ही जैसे लिख दिए गए हैं, तो यही आंसर होगा हमारा, ए नंबर जो है ये सही आंसर है, सी भी उसी तरह से दिख रहा है, तो ये भी आंसर है। अगर आप ए और सी जो भी टिक करें, दोनों एक ही जैसा लिखा हुआ है, तो दोनों ही सही आंसर हो जाएगा। कभी कभार लिखने में इस प्रकार का अंतर हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रविंद्र का संधि विच्छेद कैसे होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मिथ्याभिमानी, मिथ्याभिमानी शब्द का सही संधि विच्छेद, मिथ्या जोर अभिमानी, मिथ्या जोर अभिमानी होगा इसका सही आंसर। तो इसका अर्थ क्या होता है, मिथ्या यानी कि झूठ और अभिमानी मतलब कि घमंड, तो झूठा मूठा घमंड करने वाला मिथ्याभिमानी होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। अगला है रत्नाकर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। रत्नाकर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। रत्नाकर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, रत्न रत्न जोर आकर, रत्ना जोर आकर, रत्ना जोर कर या रत्ना जोर कर, क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करें। ए बी सी डी में सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा रत्न जोर आकर ऑप्शन नंबर ए, रत्न जोर आकर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है दूत और द्यूत, दूत और द्यूत शब्द युग्म का अर्थ क्या है, दूत और द्यूत शब्द का अर्थ क्या है, जल्दी से आप कमेंट करें। ऑप्शन आपके सामने है जासूस और क्रीरा, प्रतिनिधि और जुआ, क्रीरा और प्रतिनिधि, राजदूत या कंजूस, क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। जासूस, क्रीड़ा प्रतिनिधि, जुआ, क्रीड़ा प्रतिनिधि, राजदूत और कंजूस, क्या होगा। द्यूत और द्यूत का एक युग्म है, एक समान दिखने वाले शब्द लेकिन अर्थ अलग अलग हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें, तो दूत का अर्थ होता है प्रतिनिधि, दूत का अर्थ होता है प्रतिनिधि, और द्यूत का अर्थ होता है जुआ, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना, क्या है अगला क्वेश्चन। दग्ध और दुग्ध का अर्थ का युग्म क्या है, दग्ध और दुग्ध का अर्थ क्या है, दग्ध और दुग्ध। ऑप्शन है आपके सामने श्वेत और दूध, दूध और श्वेत, जला हुआ और दूध, जल और दूध, क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। दग्ध और दुग्ध, दग्ध और दुग्ध का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप कमेंट करें ए बी सी डी में क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर अगर क्या यहाँ पे देखा जाए, तो सही आंसर हो जाएगा दग्ध। दुग्ध का अर्थ तो आप सब जानते होंगे दूध होता है, दूध यहाँ पर भी है, दूध यहाँ पर भी है, दूध यहाँ पर भी है, लेकिन दग्ध का अर्थ क्या होता है, तो दग्ध का अर्थ होता है जला हुआ, जला हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जला हुआ और दूध। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, कि मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पे सहपाठी, सहचर, सहोदर या सखा, क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। ए बी सी डी में क्या होगा मित्र का सही आंसर, सहपाठी, सहचर, सहोदर या सखा, मित्र का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए बी सी डी में क्या होगा मित्र का सही पर्यायवाची शब्द, जल्दी से आप कमेंट करके बता दें। तो यहां पर अगर हम मित्र का पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो मित्र का सही पर्यायवाची शब्द होता है सखा। बहुत से लोग सहपाठी में कंफ्यूज हो सकते हैं, सहोदर हम अपने भाई को बोलते हैं सहोदर, सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाला। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे जलज, जलधीज, रसभर या नीरज, बारज का बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है, जलज, जलधि, रस, जलभर या नीरज, क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। बादल का पर्यायवाची शब्द ए बी सी डी में कौन है, कौन नहीं है, आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो यहाँ पर अगर हम
बादल के पर्यायवाची शब्द की बात करें, बादल के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो बादल का सही पर्यायवाची शब्द होता है जलभर। बादल का सही पर्यायवाची शब्द होता है जलभर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नीरज जो है ये गलत वर्ड है, नीरज ऐसा नहीं होता। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण का विलोम क्या है, आकर्षण का विलोम क्या है। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, जल्दी से आपको कमेंट करना है आकर्षण का विलोम क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण और पराकर्षण। क्या होगा सही आंसर, आप जल्दी से कमेंट करें। ए बी सी डी में क्या होगा सही आंसर, सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट करें। ए आकृष्ट, वी बी विकर्षण और सी अनाकर्षण या डी पराकर्षण। तो आकर्षण का जो सही विलोम होता है, आकर्षण का सही विलोम होता है विकर्षण। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन और विकर्षण का मतलब होता है रिपल्सन। तो दोस्तों ये हो गए टोटल के टोटल 25 क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कलेक्ट करके हमने ये बनाया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको इसको इस टेस्ट को देने में मज़ा आया होगा, समझने में मज़ा आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही एक और बात, अगर लाइक आप करना चाहते हैं तो नीचे का जो थंब बटन है उसे आप दबा के नीला कर दें, ब्लैक दिख रहा होगा, दबाने से नीला कर दें, आप वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा रेड कलर से, उसे जैसे ही आप दबाएंगे वो काला हो जाएगा और सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखाएगा। तो उसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन सब्सक्राइब करने से ही काम नहीं चलेगा आपका। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये वाली बेल की घंटी दबा देनी है, उसी के बगल में बनेगा सब्सक्राइब करने के बाद, इसे दबाने के बाद ही हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेगा। ये ज़्यादा जरूरी है दबाना, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों को नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है, तो इसका कारण यही है। चलिए कोई बात नहीं, जो आपकी इच्छा है आप करें। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।